मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र के गांव कुरावन के लगभग 100 किसानों ने बन रहे दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 8 लाइन रोड पर कंपनी के वाहन रोककर सड़क को जाम किया और करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन दिया है। कुरावन असावती मार्ग के नाले पर लगभग 100 किसानों का खेती की जमीन है। इसके बीच में 8 लाइन निर्माणाधीन नाला किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। आम रास्ते के लिए बने नाले में अधिक मलबा जमा होने से आने जाने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह स्थानीय किसानों ने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया, 8 लाइन रोड कंपनी के वाहनों को रोककर, और जिसके बाद निर्माण कार्य एजेंसी के मैनेजर ने लोगों को समझाइश दी कि वहां पर नाले से हो रही किसान समस्या का जल्द निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश से गरोड़ क्षेत्र में बन रहे जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा दिल्ली मुंबई हाईवे 8 लाइन निर्माणाधीन हाईवे में लगी जमीनों में कई जगह जलभराव की स्थिति से भी किसानों की फसलें और संतरे के बगीचे जलमग्न हो गए हैं और एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई थी, वहीं फसलें भी नष्ट हो गई। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की लापरवाही किसानों को भुगतनी पड़ रही है और इस ओर प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ गिचड़ हो रहा था, बारिश का पानी से निकल नहीं जा रहा। कहाँ की समस्या थी, किस जगह की थी? ये जगह 10 फीट का इन्हें रास्ता बनाने का, 1.5 फीट ने वो उधर साफ करेगा, इधर साफ करेगा, उधर पाइप रख देगा, उधर पाइप रख देगा। कौन से रोड का मामला पूरा है ये? असावती रोड नहीं, जो ये निर्माण चल रहा है रोड कौन सा है? ये तो 8 लाइन है, बड़ी लाइन। कितने किसानों की समस्या आ रही थी यहाँ पर? यहाँ कम से कम 200 किसान है। अब क्या सोल्यूशन निकाल दिया आपके? ये निकाली के 10 फीट का रास्ता है, 1.5 फीट ऊंचा कर देगा और उधर सीसी कर देगा 50 फीट, 50 फीट उधर कर देगा। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। किस बात को लेकर यहाँ किसानों ने आज विरोध जताया है? इनका नाला और ये जो रास्ता एक ब्रिज में है, इसके लिए इन्होंने रोष जताया था। उसका हमने सोल्यूशन किया कि इसको 2 पार्ट में हम कर देंगे, उन गांव वालों का बरसात का सीजन में इसको सही करके इनका परमानेंट काम करते हैं। आखिरकार इनकी लापरवाही देखने को मिली थी, इस वजह से किसानों लापरवाही तो हम कह नहीं सकते, किसी का नाम हम लेंगे नहीं, क्योंकि काम हमें कॉन्ट्रैक्ट में मिला है NHAI से। उन्होंने जो डिजाइन ड्राइंग दी, जहाँ जो बनाना है वही स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए। कई जगह देखने में आया किसानों को मतलब जलभराव की स्थिति भी निर्मित हुई है। ये अभी कंस्ट्रक्शन काम वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे जैसे खत्म होता जाएगा ये समस्या भी होती जाएगी, क्योंकि कहीं मिट्टी रखी हुई है, कहीं कुछ है, जैसे जैसे काम चलेगा ये भी सब सही होता जाएगा साथ साथ। अभी वर्तमान में स्थायी रूप पे आपने जो काम इनको आश्वासन मिला है, क्या वो तुरंत आज से काम चालू हो जाएगा इनका? भविष्य में इसको लेकर ये रहेगा कि भविष्य में कुछ संशोधन और होगा इसमें? नहीं, जो जो आज सोल्यूशन हुआ है वो आज से काम चालू हो जाएगा, और जो बरसात के बाद काम हो रहा है वो बरसात के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? कौन सा? मेरा नाम चंचल शर्मा है, GR में मैं स्ट्रक्चर मैनेजर हूँ।